नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुलगांव पोस्ट ऑफिस घोटाला मामले में धनगांव पुलिस ने पोस्टमैन के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक अंतर्गत सुलगांव पोस्ट ऑफिस में हुए करोड़ों रुपए के घोटाला मामले के उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पोस्ट ऑफिस मुख्यालय के साथ ही पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासन के अधिकारी भी मामले की जांच कर रहे हैं। खंडवा जिले के धनगांव थाना पुलिस ने सुलगांव के पोस्टमैन के विरुद्ध धोखाधड़ी मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फरियादी धर्मेंद्र सिंह पिता मिश्रीलाल राठौर निवासी सुलगांव एवं अन्य की शिकायत पर सुलगांव के पोस्टमैन आरोपी सुनील खेड़े के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पोस्टमैन शासकीय सेवक सुनील खेड़े ने फरियादी एवं अन्य खाता धारकों से छल एवं धोखाधड़ी कर 2,63,766 रुपए खातों में जमा करने के बहाने से लेकर उनकी पासबुक पर चढ़ाकर बेईमानी पूर्वक आर्थिक लाभ प्राप्त कर शासकीय राशि का गबन किया है। आरोपी के विरुद्ध 409, 420 भारतीय दंड विधान के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जाँच धनगांव थाना प्रभारी विजय वर्मा कर रहे हैं। आरोपी पोस्टमैन मामला उजागर होने के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। विदित हो, सुलगांव सहित आसपास के ग्रामीणों ने पोस्ट ऑफिस में जमा राशियों को लेकर धोखाधड़ी की शिकायत जिला प्रशासन सहित कई अधिकारियों को की थी। इस संबंध में खबर एक्सपोज द्वारा लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाकर मामले का खुलासा किया गया था, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस विभाग के आला अधिकारी सुलगांव पहुंचे थे। जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कलेक्टर को मौके पर भेजकर जांच कराई गई थी। बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस मुख्यालय सुलगांव पोस्ट ऑफिस के 2000 से अधिक खाता धारकों की पासबुक का सत्यापन करा रहा है। विभाग की जाँच अभी जारी है। भ्रष्टाचार और गबन का आंकड़ा करोड़ों में है। आरोपी के विरुद्ध और भी कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में और भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो हम आपको खबर में दिखाएंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।